हाय एवरीवन, वैसे हमारे चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है कि रेगुलर और SOL की डिग्री में क्या डिफरेंस लगता है, बट उस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिजिटल डिग्रीज दिखाई थी। और ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हार्ड कॉपी वाली डिग्री है। डिजिटल डिग्री और हार्ड कॉपी वाली डिग्री में कोई भी फ़र्क नहीं होता, बस ये है कि डिजिटल डिग्री आपको ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से मिल जाती है। अब ये यहाँ पर डिफरेंस आप लोग देख लीजिए रेगुलर की डिग्री का और SOL की डिग्री का। ये बिल्कुल लेटेस्ट डिग्री है SOL की, और रेगुलर की डिग्री भी ऐसी ही होती है। बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है, क्या आपको लगता है ऐसा? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस पॉइंट पर फ़र्क है, किस पॉइंट पर नहीं है। आप लोग ये दोनों ही डिग्री देख रहे हो और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दोनों ही डिग्री वैसे BCOM प्रोग्राम की हैं, ठीक है। ये रिसेंटली जो स्टूडेंट को डिग्री रिसीव हुई है SOL की, ये उसकी डिग्री है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो कॉन्वोकेशन की डेट 25 फरवरी 2023 लिखी गई है। और ये जो डिग्री आप राइट साइड में देख रहे हो ये मेरी खुद की डिग्री है, यहाँ पे मेरा नाम भी आप लोग देख सकते हो। और ये कॉन्वोकेशन 2019 में इशू करी गई है, बिकॉज आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2018। तो अब यहाँ पे फ़र्क क्या है दोस्तों? फ़र्क कुछ भी नहीं है क्या? देखो जी, नीचे आपका बार कोड लगा हुआ है, एक QR कोड लगा हुआ है, कुछ ऑफिसर्स के सिग्नेचर यहाँ पर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं उनके सिग्नेचर हैं, और यहाँ पे वाइस चांसलर के सिग्नेचर हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोग देख लो दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं उनके सिग्नेचर हैं, और यहाँ पे वाइस चांसलर के सिग्नेचर हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ऊपर आप ऊपर राइट साइड में रोल नंबर देखोगे आप, जो मैंने हाइड किया हुआ है, ये आपका एग्ज़ाम रोल नंबर होता है, ठीक है। एग्ज़ाम रोल नंबर ये मैंने हाइड किया हुआ है, लेकिन जो लेफ़्ट साइड में आप देखोगे जो मैंने हाइड नहीं किया हुआ है, यहाँ देखो यहाँ इनरोलमेंट नंबर होता है। इनरोलमेंट नंबर से ही पता चलता है कि ये डिग्री रेगुलर वाले बच्चे की है या SOL की है या इवन NCVAP की है। चूँकि जो रेगुलर की डिग्री होती है उसका जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, जैसे मैंने जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से ग्रेजुएशन कम्प्लीट करी है, तो यहाँ पर ZH से मेरा इनरोलमेंट नंबर शुरू होता था, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस स्टूडेंट की जो कि SOL की डिग्री है, इसने SOL से करी है, तो यहाँ पर देखिए 18 का मतलब ये होता है जिस ईयर में डिग्री, जिस ईयर में आपने एडमिशन लिया है वो ईयर लगता है। 18 तो 18 लगेगा, 19 में लिया हो तो 19 लगेगा, वो लिखा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर SOL लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? SOL। फिर उसके बाद जो आपके नंबर्स होते हैं कुछ इनरोलमेंट नंबर में, वो आपके लिखे रहते हैं। अगर BCOM है तो शायद SOL BCOM भी लिख कर आता है इनरोलमेंट नंबर में, तो वो यहाँ पर आपका लिखा रहेगा। तो आप जो ये क्वेरी करते हो कि सर क्या SOL और रेगुलर की डिग्री दिखने में एक जैसी लगती है, ऑनलाइन आप देखोगे ऊपर से जी एक जैसी ही लग रही है, लेकिन जो थोरोली अगर उसको कोई स्टडी करेगा, थोरोली अगर कोई उसको देखेगा, चाहे वो आपका इंटरव्यूअर हो, चाहे आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन हो, हालांकि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि SOL की डिग्री हो या रेगुलर की हो, ठीक है। थोड़ा बहुत ये है कि प्राइवेट फर्म में आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। डिग्री को देख कर ही पता लगा सकते हैं लोग, अगर थोरोली उसको रीड करें, ऊपर SOL लिखा रहता है, आपके इनरोलमेंट नंबर के अंदर ही SOL होता है, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ ये SOL की डिग्री है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों डिग्री मैंने आपको दिखाई, रेगुलर की भी और SOL की भी, हार्ड कॉपी वाली डिग्री, क्या दोनों में डिफरेंस रहता है। आई होप ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, तो इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।